जय गुरुदेव। ये था सोहम का ध्यान, श्वास और सोहम। श्वास और सोहम का ध्यान करने से आपको क्या ज्ञान मिला, यानी कि आपको क्या समझ में आया, अपने अंदर में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, आपको क्या समझ में आया, वो कुछ लोग हाथ खड़ा करके बताएंगे कि इस ध्यान से आपको क्या ज्ञान मिला। प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट में रहे, वेरी गुड। सोहम का ध्यान करते हुए आत्मा और परमात्मा का, भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ गया, वेरी गुड। और क्या समझ में आया इस ध्यान को करते हुए? आपको सूचना दी गई थी कि श्वास आ रहा है, जा रहा है। शुरुआत में श्वास का सबको पता चला, श्वास आ रहा है, सबको आ रहा है, तो आपने बताया नहीं किसी ने। तो पहला बात तो ये कि आपको श्वास का ज्ञान हुआ। श्वास कब से आ रहा था, कब से आ रहा था आपको? जब से, कब तक आएगा? तो श्वास का ज्ञान हुआ, ठीक है। श्वास को देखते देखते और क्या आपको समझ में आया, अंदर में और क्या चल रहा था? विचार, विचार आ रहे थे, तो आपको विचारों का ज्ञान हुआ कि मेरे अंदर में जब मैं श्वास देखने लगा तो मुझे पता चला कि अंदर में विचारों की दुनिया चल रही। अब विचार किस में आते हैं? विचार किस में आते हैं? मन में आते हैं। यानी आपने विचारों के माध्यम से किसको देखा? मन को देखा, है ना, कि मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब विचार को, श्वास को देखते थे, मन को देखा। अब मन के अंदर विचार कैसे आ रहे थे, उसकी क्वालिटी कैसी थी, ये पता चल रहा था, है ना। किसी को भूतकाल के आ रहे थे, किसी को भविष्य के आ रहे थे, है ना। अंदर क्या चल रहा है ये सब कौन बता रहा था आपको? सही आ रहे थे, गलत आ रहे थे, अभी आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, ये सब कौन बताता आपको? बुद्धि, यानी आपने किसको जाना? यानी आंख बंद कराई आपको, कोई किताब नहीं दी आपको, श्वास को देखा, विचारों को देखा, मन को देखा और फिर बुद्धि को भी देखा, और आपको एक सूचना दी थी कि इन सब को कोई महत्व नहीं देना। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। आपने विचारों की कोई कहानी नहीं बनानी, उनको अच्छा और बुरा, तो आपने ये भी फॉलो किया ना, इनको अच्छा माना ना बुरा माना। तो सारा ध्यान होने के बाद आपको अभी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? शांत लग रहा है कि टेंशन आ रहा है कि शांत लग रहा है ना, सबको लग रहा है, एवरीवन, है ना। तो ये शांति कहाँ से आई? हमने तो आपको कहा नहीं कि आप शांतिनाथ जी की माला करना, कि शांति के लिए कुछ विशेष करना, कुछ नहीं कराया, लेकिन सबको शांत महसूस हुआ और आनंद आया कि टेंशन आया? तो ये आनंद और शांति कहाँ से आई, किसके पास थी ये, यानी किसका गुण है ये? तो ये श्वास को देखने मात्र से, है ना, आपने एक छोटा सा कार्य शुरू किया, आते जाते श्वास को देखा, उसके बाद आपको एक मंत्र दिया, सो, ये मंत्र नहीं है, एक प्रकार की ध्वनि है, श्वासों की ही ध्वनि है। सांस अंदर लेते तो सो होता है, बाहर आते तो हम होता है, लेकिन अभी स्थूल रूप से आपको शब्द जोड़ा गया, हमने शब्द बोला और आपको सांस लेना और छोड़ने को कहा। तो सोहम की ध्वनि लेते लेते, है ना, आपको फिर आपको शांत बिठा दिया, कुछ नहीं करना, न सांस लेना, न सोहम करना, जो हो रहा है उसको होने दो, आप शांत बैठो, अपनी तरफ से सब एफर्ट छोड़ दो। तो आपको ये अनुभव आया कि सबको शांत लग रहा है, आनंद महसूस हुआ है, और यहाँ जो चल रहा था ये सब का ज्ञान आपको था या सो गए थे? ज्ञान था ना,
आवाज़ आ रही थी, कैसेट की आवाज़ आ रही थी, आसपास की आवाज़ आ रही थी, आपकी बॉडी में कुछ संकेत मिल रहे थे, कहीं दर्द हो रहा था, मन बेचैन हो रहा था, है ना? तो सब चीज़ को जानने वाला कौन था? श्वास को, मन को, बुद्धि को, शरीर को, है ना, इन सब को, इस आनंद को, इस शांति को जानने वाला कौन था? समझ में आ रही ना? तो एक छोटे से ध्यान में आपको कितना ज्ञान हुआ, एक छोटे से ध्यान में कितना ज्ञान हुआ? श्वास का ज्ञान हुआ, विचारों का ज्ञान हुआ, पागलों की तरह विचार आ रहे जा रहे जिनका कोई लेना देना नहीं वो भी आ रहे, अच्छे भी आ रहे बुरे भी आ रहे, ध्यान में आने चाहिए वो भी आ रहे, नहीं आने चाहिए वो भी आ रहे, बुद्धि को भी देख लिया, शरीर को भी देख लिया, शांति और आनंद को भी देख लिया, और इस सबको जानने वाले को भी जान लिया। इन सबको जानने वाला कौन था? आत्मा था। आत्मा ही इन सबको जान रही थी, क्योंकि इस मन को जानने की क्षमता नहीं है, ये मन तो जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, श्वास अकेला कुछ नहीं जान सकती। तो इन सबको जानने वाले को भी जाना, और इसका गुण क्या है? रंग तो दिखता नहीं लेकिन इसका गुण है, वो गुण क्या है? अगर आप आत्मा में हो तो आपको शांति मिलेगी, आप आत्मा में हो तो आनंद। परमात्मा के लक्षण क्या है? परमात्मा के लक्षण क्या है कि परमात्मा हमेशा आनंद में रहता है, परम आनंद कहते हैं जिसको, हाँ, परमात्मा हमेशा परम शांत रहता है, और उसको तीनों लोक का ज्ञान है। आपका लोक कितना है? आपका ये शरीर लोक है, अभी साधना काल में आपका ये शरीर लोक है, और इस शरीर में तीन लोक कौन से? नाभि के नीचे का अधोलोक, नाभि से छाती तक मध्य लोक, छाती से ऊपर तक ऊर्ध्व लोक। तो तीनों लोक का ज्ञान था कि नहीं था आपको? नीचे के लोअर पार्ट में क्या हो रहा है ये भी पता चल रहा था, मिडल पार्ट में सांस चल रही है ये भी पता चल रहा था, ब्रेन में खोपड़ी में क्या चल रहा है वो भी। तो आप अपने इस ध्यान के द्वारा तीनों लोक को जान रहे थे। साधना काल में ये शरीर ही आपका लोक है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। तो हमारी लेबोरेटरी क्या है? यही पिंड है, हमने इस ब्रह्मांड में जाके कोई रिसर्च नहीं करनी है, इस पिंड में रिसर्च करेंगे वही ब्रह्मांड में होता हुआ नजर आएगा आपको। और सारे तीर्थंकर ज्ञानी ऋषि मुनि ने इस पिंड में रिसर्च की है, और आप भी आज के लिए क्या हो? एक साधक हो। इस समय आप कोई जो भी पोस्ट हो सब आपकी गई, सिर्फ एक साधक हो और कोई पहचान नहीं है। और साधक का लक्षण है साधना करना, साधना से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान हमेशा आपके साथ रहेगा, ये रटने वाला ज्ञान नहीं है कि याद करो और फिर भूल जाओगे, ये आपका अनुभव ज्ञान है, ये हमेशा आपके साथ चलेगा। तो जैसे एक व्यक्ति को काल कोठरी में डाल दो अंधेरे में, तो पहले उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको उस कोठरी में क्या क्या है सब नजर आने लगता है। ऐसे ही आंख बंद करती आपको अंदर में सब अंधेरा अंधेरा दिखता है, क्योंकि दुनिया में तो सारा इतनी चकाचौंध, आंख बंद की तो लोग क्या करते, घबरा जाते हैं, अंधेरा देखते वापस कोई माला करने लग जाता है, कोई जप करने लगता है, कोई भक्तामर करने लग जाता है, कोई पुस्तक पढ़ने लग जाता है, कोई आंखें खोल के दुनिया में घबरा जाते हैं। इसके लिए ध्यान के लिए बीच में गुरु चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान किसी कैसेट पुस्तक से नहीं होगा, बीच में एक गुरु चाहिए। उसका काम क्या है कि आपको थोड़ा सा सहारा दे, बाकी काम आपने करना है। तो अभी हमने क्या किया, आंख बंद करके जब बैठे है ना, तो जो अंदर कुछ हो रहा था वो सब हमें दिखाई पड़ा। तो जैसे कोठरी में सब दिखाई पड़ता है, वैसे आंख बंद करते कोठरी में सबसे पहले सांस स्थूल दिखा, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, सांस से सूक्ष्म है मन, मन मन के विचार, मन से सूक्ष्म है आपकी बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है आपका स्वभाव। क्या है आपका स्वभाव? क्या है? अभी आपने आधा घंटा ध्यान में बैठ के, 25 मिनट ध्यान में बैठ के क्या अनुभव किया? वही आपका स्वभाव है। क्या अनुभव किया?
शांति, तो शांति आपका स्वभाव है। अब कितनी देर तक आप शांत रह सकते हो? अगर आपको शांत रहने के लिए चैलेंज किया जाए तो आप कितनी देर तक लगातार शांत रह सकते हो? क्षमता कितनी है आपकी? चलो रह नहीं सकना अलग बात, शांत रहने की क्षमता कितनी है आपकी? हाँ, एक दिन, और हमेशा के लिए चाहे तो शांत रह सकते हैं। जो हमेशा रह सकते हो वो आपका स्वभाव है, थोड़ी देर के लिए रहे और चले गए वो विभाव है। समझ में आ रही? थोड़ी देर के लिए कोई घटना घटी और वापस चली गई, वो बाहर से आई और बाहर, वो विभाव है, स्वभाव नहीं है। यानी जैसे क्रोध आना, क्रोध क्या है? विभाव है। कोई ऐसी घटना घट गई, कुछ क्षण के लिए आपने अपने अंदर से शस्त्र निकाला, मैं भी तुम्हें देख लूंगा, कभी आंखें फड़काई, कभी ये किया, जरूरत पड़ी तो हाथ भी हटा दिए, उठा लिए, वो क्या है? कुछ देर के लिए सिचुएशन में आपके मन वचन काया के पास एक शस्त्र था, उसने बाहर निकाला और उसका उपयोग किया, सिचुएशन को निपटाया, वापस तलवार को म्यान में डाल दिया और थोड़ी देर में वापस शांत होकर के अपने मस्ती में। तो प्रकृति ने आपको ये शस्त्र दे रखे हैं, जरूरत पड़ने पे उपयोग करना है, ऐसे ही पागलों की तरह उपयोग नहीं करते फिरना। हर किसी के ऊपर गुस्सा करोगे, हर कहीं पे जाके भड़कोगे तो लोग आपको पागल खाने में भेज देंगे, बोले एक काम का बंदा नहीं है। लेकिन समय के ऊपर आंख दिखाते हो और आंख से काम हो जाता तो शब्द नहीं बोलते हो, आंख से काम हो जाता है तो शब्द नहीं बोल देते हो, शब्द से काम हो जाता है तो शस्त्र नहीं उठाते हो, है ना। भगवान आदिनाथ ने जब असी मसी कृषि बताई तो भगवान ने खाली असी के रूप में पहला दंड किया था, खाली हूं कर दिया, इतने में ही उसको सामने वाले को दंड मिल गया, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत। जैसे जैसे हमारे वो घटती गई वैसे वैसे शस्त्र बनते गए। अब वर्तमान में अणुबम परमाणुबम से डरा रहे, और कोई तरीका तो है नहीं। क्रोध तो और हुंकार तो हर एक छोटा बच्चा ही करता रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। लेकिन ये प्रकृति ने हमको शस्त्र दे रखे हैं, हमारे को ये विवेक होना चाहिए कि किस समय मुझे शस्त्र का प्रयोग करना है और किस समय इसको म्यान में। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, विभाव स्थिति बुरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर किस में रहना है? स्वभाव में रहना है, और उसके ऊपर आपकी मालकियत होनी चाहिए कि कब मैंने शस्त्र का प्रयोग करना है और कब नहीं करना है, और अगर मैंने करने से किसी को कष्ट पहुंच गया है तो मैंने वापस अपनी शुद्धिकरण भी उसी समय कर लेना है, उसकी फाइल को आगे नहीं पढ़ाना, या उस कार्य से मेरे ऊपर कोई कर्म आ गया है तो मैंने को डिलीट करने का तरीका आना चाहिए, उसी टाइम उसकी आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर। तो ये ध्यान से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको? आनंद, शांति और ज्ञान, ये आपका स्वभाव है, आपका स्वभाव है, यानी सभी का स्वभाव है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबका स्वभाव क्या है? बिना किसी कारण से आनंद में रहना, शांत रहना, और सब जो कुछ हो रहा है उसको जानने की क्षमता इनमें है। यहाँ वातावरण में कुछ भी हो रहा है उसको जानने की क्षमता इस आत्म तत्व में है, इस जड़ में नहीं है, कुर्सी में, माइक में नहीं है। ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसके अंदर आत्मा नाम नहीं है तो इसकी क्या वैल्यू है? तो इस आत्मा तक जाने के लिए ध्यान एक साधन है, ध्यान एक सबसे शॉर्टकट है। ऐसे बहुत साधन है, पूजा है, अर्चना है, पाठ है, माला है, जप है, उपवास है, बहुत सारी विधियां हैं, वो सब सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे शॉर्टकट है। आपको कोई मैंने किताबें नहीं पढ़ाई, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, थोड़ी सी सूचनाएं आपको ध्यान में प्रवेश करने के लिए बताई। क्या सिंपल विधि? सांस आ रहा है जा रहा है उसको देखो, सांस को देखते देखते थोड़े थॉट्स आपके शांत हो जाएंगे, उसके बाद सो, हम सो में सांस लेना है, हम में सांस 5-10 बार करो, उसके बाद उसको भी छोड़ दो, फिर शांत बैठो,
फिर जरूरत पड़े तो सोहम लो। जैसे आपको नए नए किसी स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए और वहाँ पे पानी कितना गहरा है नदी में आपको पता नहीं है, तो आपको शुरू में क्या देते हैं, एक साथ में साधन देते हैं कि अगर आप डूबने लगो तो इस ट्यूब का सहारा ले लेना। तो ट्यूब तैरना नहीं है, ट्यूब तैरना नहीं है, ट्यूब तो एक साधन है। ऐसे ध्यान में आपको दो साधन दिए, कौन से दो साधन दिए, श्वास और, अब लोग क्या समझेंगे, श्वास और सोहम का ध्यान करना है। श्वास और सोहम का ध्यान नहीं करना है, ये तो बीच में ट्यूब है, पर ध्यान किसका करना है। अब इस श्वास और सोहम को देखते देखते हम कहां तक पहुंच गए, आत्मा तक पहुंच गए। अब आत्मा में स्थित रहना है। जितनी देर आप कुछ नहीं करके शांत बैठे थे उतनी देर किस में थे आप, ये शरीर तो बिल्कुल स्थिर पड़ा था, इससे हमने कहा ना हाथ हिलाना ना पैर हिलाना, शांत बैठे रहो, जो हो रहा है होने दो, आपने इसके डिस्टर्बेंस नहीं करना है शरीर में, चाहे मन में विचार आ रहे आने दो, शरीर में कहीं दर्द हो रहा होने दो, पीड़ा हो रही होने दो, आप सुखपूर्वक आसन में बैठे रहो और अंदर जो हो रहा है होने दो और आप अपने में स्थित हो जाओ। तो आप अपने स्वभाव में स्थित थे, शरीर अपने स्वभाव में अपना काम कर रहा था, वातावरण अपने आप, इस सब का ज्ञान किसको था, आत्मा को। और आत्मा का ही लक्षण है जानना देखना। समझ में आया, क्लियर? तो श्वास का आलंबन क्यों लिया, मंत्र क्यों नहीं लिया, प्रश्न हो सकता है भाई, नमोकार मंत्र ले लेते, कोई और पाठ लेते, जल्दी मन लग जाता। हमारा ध्यान के अंदर मन लगाने का प्रयोजन नहीं है, मन लगाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, मंत्र जाप पाठ। हमारा ध्यान करने का प्रयोजन है मन वचन काया से पार आत्मा में जाके स्थित होना। किस में होना, आत्मा में स्थित होना। इसलिए मन को हमने कोई भोजन नहीं दिया, मनोरंजन नहीं कराया, वचन से आपको मौन करा दिया, काया से आपको स्थिर बिठा दिया। अब तीनों के पार क्या है, तीनों के पार आत्मा है। अगर मन ज्यादा ही उचाट हो रहा है, डावाडोल हो रहा है, तो शुरू शुरू में आपको कहा या तो श्वास को देख लो या सोहम को ऊपर मन लगा दो, कुछ ही देर में जैसे ही वो शांत हो जाए फिर उसको छोड़ दो, उसके पार चले जाओ। तीन पर्दे हैं आत्मा के आगे, मन वचन और काय। जब ये तीनों स्थिर हो जाते हैं तो इसके पार वो उसके दर्शन होते हैं। आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई रंग नहीं है, आत्मा का स्वभाव है जो आपने अभी अनुभव किया। वो स्वभाव क्या है, आनंद है, शांति है और ज्ञान है। ज्ञान का मतलब सब जानने की क्षमता, आप क्या हो ये भी कौन जानेगा, आत्मा ही आत्मा को जानेगी। इंद्रियां और मन आपको नहीं बताएगी ये आत्मा है, क्योंकि उनकी क्षमता ही नहीं, बुद्धि में खाली आपको समझाने के लिए बताया गया कि ये आत्मा है, वास्तव में वो आपका अनुभव है। ठीक है, अभी और एक ध्यान करेंगे छोटा सा। अभी आपने मान लिया कि आत्मा है, अनुभव भी किया, लेकिन अभी बुद्धि के स्तर पे बहुत कुछ आपने अपने आप को माना हुआ है, तो मैं रियल में कौन हूं, अपने अंदर में खोज करके खुद की गहराई में जाके आप स्वयं निर्णय करेंगे कि मैं रियल में हूं कौन। जैसे आपने मान लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं सेठ हूं, मैं अध्यक्ष हूं, है ना, मैं साधु हूं, तो मैं रियल में हूं कौन, इस ध्यान में खोज करेंगे। ये शिविर एक प्रकार की शोध है, क्या है, अपने ही अपने भीतर में शोध करना है कि मैं रियल में कौन हूं। तो यहां पे एक चोट, ध्वनि की चोट होगी, को हम, आपने बोलना नहीं है, आपने श्वास लेना नहीं है, आपने सिर्फ अपने आप से प्रश्न पूछना है, खुद ही खुद को प्रश्न पूछोगे कि मैं कौन हूं। यहां से कुछ गाइडेंस दी जाएगी, बाकी समय आपने खुद ने अपने से प्रश्न पूछना है। ठीक है, आराम से बैठ जाएं।